हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन ITMAC 200 कैप्सूल के बारे में। जी हाँ, ITMAC का जो 200 कैप्सूल है एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। जी हाँ, जब आपके शरीर पे दाद खाद खुजली हो जाता है या आपके बॉडी पे कहीं भी फंगस के कारण यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये कैप्सूल दिया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस ITMAC 200 कैप्सूल के अंदर मेन कंपोजिशन कंटेंट क्या चीज़ मिला हुआ होगा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, मतलब इस कैप्सूल की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, ITMAC 200 कैप्सूल के अंदर अगर हम कंपोजिशन अथवा कंटेंट की बात कर लें क्या मिला होगा, एट्राकोनाजोल। जी हाँ, एंटी फंगल मेडिकेशन है एट्राकोनाजोल। 200 का मतलब होता है 200 mg के अमाउंट में मिला हुआ होगा। जो कंपनी इसे बनाती है वो बहुत ही पॉपुलर है, मैकलॉर्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक स्ट्रिप में 8 कैप्सूल आती है जिसकी कीमत 200 रुपये के आसपास आ जाती है। फिर बात करेंगे यूजेस, सही उपयोग क्या है। देखिए, ITMAC मैंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो दाद खाद खुजली हो, रिंग वॉर्म हो, टोज में यानी उंगलियों वगैरह में जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, अलग अलग बॉडी पार्ट में, अंडर आर्म में, गर्दन पे, जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन, जोक इज रिंग वॉर्म, जितने भी प्रकार के फंगाई जनरेटेड इन्फेक्शन होते हैं उसको ठीक करने के लिए ये कैप्सूल आपको डॉक्टर देते हैं। फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है। देखिए, इसमें जो मेन कंटेंट है एट्राकोनाजोल, एट्राकोनाजोल एक तरह से एंटी फंगल मेडिकेशन है जो कि फंगाई को किल करती है। कैसे किल करती है, फंगल के सेल मेम्ब्रेन, जी हाँ, फंगस के सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगी। जब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बनेगा तो फंगस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा और हमारा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिससे हमारा आपका इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, अल्टीमेटली फंगस भी किल हो जाएगा। फिर बात करेंगे डोज, सही डोज क्या होगा। सही डोज देखिए, आपके डॉक्टर के हिसाब से रहेगा तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो आपकी कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। वैसे 1 से 2 कैप्सूल आप दिन भर में ले सकते हो। फिर बात करेंगे प्रिकॉशन, क्या सावधानियाँ रखनी है, तो जितना भी डॉक्टर डोज बताया जाए कभी भी खुद से ज़्यादा न लें, बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखें, साथ ही साथ इसको अल्कोहल के साथ कंज्यूम न करें, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ ITMAC खाने के बाद आप ड्राइव ना करें, ड्राइव एबिलिटी आपकी गड़बड़ा सकती है, थोड़ा सा ड्राउजी फीलिंग हो सकता है। साथ ही साथ कुछ मेडिकेशन से इसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है, जैसे आपका स्टामिनोफेन है, हाइड्रोकोडोन है, सिम्पोकार्ड, जैसे आपका बुडोनोसाइड है, फॉर्मेट्रॉल है, ये सब हमारे क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये सावधानियाँ हमको रखनी है। फिर बात करेंगे साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट जल्दी तो नहीं होता, लेकिन किसी को सूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपने खा लिया तो थोड़ा सा जी मचला सकता है, कफ आ सकता है, कॉमन कोल्ड की समस्या हो सकती है, थोड़ा सा विजन धुंधला हो सकता है या थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकता है, जो कि रेयर होता है, जल्दी नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका ITMAC 200 कैप्सूल, एक ऐसा कैप्सूल जो कि आपके स्किन पे दाद खाद खुजली जितने भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसको ठीक करता है, बहुत ही अच्छी कैप्सूल होती है। इस कैप्सूल की जानकारी आपको कैसी लगी, अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगला कैप्सूल, टैबलेट किसके बारे में बताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आपको ढेर सारी दवा की जानकारी चाहिए, एक बार चैनल को विजिट करते जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।